हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 8। माय नेम इज आदित्य दुबे एंड दिस टॉपिक वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच इज बेस्ड ऑन एमपीपीएससी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, देन इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिफरेंटली एबल्ड स्विमर जो एमपी से ताल्लुकात रखते हैं उन्होंने रिसेंटली इंग्लिश चैनल को पार किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काफी बड़ी न्यूज है और ये एमपी के पर्सपेक्टिव से, एमपी के करंट अफेयर से काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सत्येंद्र लोहिया। सत्येंद्र लोहिया जी ने रिसेंटली इंग्लिश चैनल को पार किया है और खास बात यह है कि ये एक डिफरेंटली एबल्ड मीन्स दिव्यांग है, ओके, और इनका संबंध एमपी से। अब बात करते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में। तो इंग्लिश चैनल आप सभी लोग जानते होंगे कि इंग्लिश चैनल कनेक्ट करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फ्रांस को साउदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड से। अब आपको मैं मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो। तो आप ये मैप देख सकते हैं, ये है हमारा यूरोप का मैप और आप इसको जूम अगर करेंगे तो आप ये देखेंगे, ये है, ये हमारा ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट जो हमें दिख रहा है वो है यूके, ओके, ये हो गया इंग्लैंड, और ये सदर्न पार्ट जो हो गया नीचे ये आपको दिख रहा है फ्रांस। तो ये है इंग्लिश चैनल। अच्छा, इंग्लिश चैनल की आपसे लंबाई पूछी जा सकती है, तो इंग्लिश चैनल की जो लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली स्विमिंग के लिए 21 माइल्स, ओके, 21 माइल्स इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंग्लिश चैनल। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट जो इस क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड है। सत्येंद्र लोहिया जी ने 2018 में मीन्स जुलाई 2018 को ये पार किया है। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो ऑप्शन टू है मेहर सेन। मेहर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया और ये पहले इंडियन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। इन्होंने कब पार किया ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 1958 को इंग्लिश चैनल क्रॉस किया। अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की जो है आरती साहा, तो ये फर्स्ट एशियन है, फर्स्ट एशियन वुमेन या फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंग्लिश चैनल 1959 को पार किया, ओके। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट एशियन वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, सो योर आंसर वुड बी आरती साहा। यदि आप इस क्वेश्चन की बात करें तो ये है सत्येंद्र लोहिया। अगला क्वेश्चन है कि विच टेम्पल इज नोन एज सोमनाथ ऑफ मध्य प्रदेश। सोमनाथ ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज भोजपुर टेम्पल, ओके। भोजपुर टेम्पल को जाना जाता है सोमनाथ ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये भी आप याद रखिएगा, ये बिलोंग करता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट को, ओके। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो महाकालेश्वर उज्जैन को बिलोंग करता है। ये हमारा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो हमारे एमपी में है, तो ये बिलोंग करते हैं महाकालेश्वर, और दूसरा है ओमकारेश्वर टेम्पल। अगर आपसे पूछा जाए कि ओमकारेश्वर टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप इजीली मार्क डाउन कर सकते हैं कि ये बिलोंग करता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट को, ओके। सो विच टेम्पल ऑफ एमपी इज नोन एज सोमनाथ, सो आप टिक कीजिएगा भोजपुर टेम्पल। अगला क्वेश्चन है कि एमपी की जो मिनरल पॉलिसी है वो कब इनेक्ट की गई? तो एमपी की जो मिनरल पॉलिसी है, मिनरल पॉलिसी ऑफ एमपी वॉज इनेक्टेड ऑन सेप्टेम्बर 2010। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा सेप्टेम्बर 2010 को एमपी की मिनरल पॉलिसी इनेक्ट की गई। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की जो है जनवरी 2005, तो इस समय स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ एमपी इनेक्ट की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश इनेक्टेड व्हेन, सो यू मे इजीली टिक आंसर एज जनवरी 2005। अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की जो है मार्च 1972, तो ये इस समय फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ एमपी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ एमपी वॉज इनेक्टेड ऑन मार्च 1972, मतलब मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति पारित की गई 1972 को। स्पोर्ट्स पॉलिसी मींस खेल नीति 2005, और खनिज नीति मींस मिनरल पॉलिसी सितंबर 2010। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या इंदौर के रिगार्डिंग फॉल्स है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ डील करता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंदौर में इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आप इजीली गेस कर चुके होंगे ऑप्शन सी, लेदर कॉम्प्लेक्स। लेदर कॉम्प्लेक्स बिलोंग करता है देवास को, ओके, नॉट इंदौर। यदि बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और
पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था वो भी एमपी इंदौर में सेट किया गया। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है, तो उसका आंसर होगा लेदर कॉम्प्लेक्स विच बिलोंग्स टू देवास। अगला क्वेश्चन है कि एमपी की जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो कब स्टैब्लिश की गई। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन एमपी स्टैब्लिश ऑन विच डेट। तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो एमपी की है वो देवास में है, ओके। और ये स्टैब्लिश की गई थी 1975 को। 1975 को देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस एमपी की इंस्टॉल की गई। अब अगर अगले ऑप्शन की बात की जाए, 1955 को नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर का कारखाना ओपन किया गया था नेपा नगर में, ओके। नेपा नगर में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर का फैक्ट्री। तो 1955 नेपा नगर न्यूज़पेपर प्रिंट फैक्ट्री, 1975 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस एट देवास, और यदि बात की जाए 1967 की तो यहाँ पे ओपन की गई सिक्योरिटी पेपर मिल, ओके। सिक्योरिटी पेपर मिल विच इज इन होशंगाबाद। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है, तो ये होशंगाबाद में है। 1967 को ये मतलब बनाई गई, 1975 को करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इज इन देवास, और अगर 1955 की बात की जाए तो इस वक्त नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट या नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना खोला गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि 7th of July इज़ माई बर्थडे एंड आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका सपोर्ट बना रहे बस यही कामना करता हूँ। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लेकिन आप t.me/aditya-dubey-mppsc में भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mppsc। आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।